गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 12 तारीख दिन शुक्रवार केशवपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं केशवपुर आलू मंडी में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, कितनी गाड़ी आई, ताजी कितना बैलेंस है, किस किस एरिया का माल है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों आकाश भाई के आड़त पे अभी मौजूद हूँ जी। आज इनके आड़त पे 3 गाड़ी लगा हुआ है, बाकी देखते हैं किस किस एरिया का माल देखने को मिला है, कौन कौन सा वैरायटी है। अभी जो है फिलहाल इनके पास ये जूट वाले कट्टे में और ये प्लास्टिक वाले कट्टे में, जाल वाले में है जी। बाकी क्वालिटी देख सकते हैं। हाँ जी नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। सर जी आज क्या कुछ बाजार रहा जी, आज कितने ताजी गाड़ी आई, किस किस एरिया का माल है जी और कितना बैलेंस है जी? सर टोटल 22 गाड़ी है, इसमें 8 गाड़ी बैलेंस है, बाकी सब ताजा है। अच्छा, अभी जो माल आ रहे हैं ऊना का हो गया और अपना अलीगढ़ बेल्ट हो गया। अच्छा, अलीगढ़ आगरा हथरस और अपना संभल हो गया, इन सब जगह से आलू आ रहे हैं। तो आज अपने पास 3 गाड़ी है सर जी। बिल्कुल जी। तो किस किस एरिया का माल है? तो सबसे पहले ये ऊना का आलू है, ये 400 रुपए का बिका है। अच्छा जी, ऊना का जो है 400 रुपए। तो ऊना का ये लंबी चाल में आता है जी? सर ये दोनों ही तरह गोल भी आ रहा है, लंबी चाल भी आ रहा है। अच्छा, तो कौन कौन सा बीज आ रहा है जी अपने? ये हाइब्रिड में आता है जी। अच्छा, ये हाइब्रिड में। बिल्कुल। और जो गोल चाल में आ रहा है जी वो भी हाइब्रिड होते हैं। अच्छा जी। और उधर वाला जी? वो सर चिपसोना आलू अलीगढ़ क्षेत्र का। अच्छा जी, वो 650 का बिका है। 650 रुपए का जी। और ये वाला? ये 3797 570 का बिका है। अच्छा जी, 3797 में गुल्ला और बम्पर भी आ रहा है जी? जी बिल्कुल, इसका गुल्ला आया वो 350 रुपए का बिका है, बम्पर इसका 620 रुपए का बिका है। अच्छा जी जी। और चिपसोना का जी? चिपसोना का बम्पर बिका है जी 700 रुपए का, और इसका गुल्ला बिक रहा है चिपसोना 450 का। अच्छा जी। और इधर जो है सर जी अपने पास आलू? ये सर ये 302 आलू है, ये 450 रुपए का बिका है। अच्छा, वो आपका वैरायटी हो गया हाइब्रिड आलू। अच्छा, इधर वाला जी स्टोर का? अच्छा, वो स्टोर वाला आलू बिका है 470 रुपए का। अच्छा, 470 500। अच्छा, अभी अगर सर जी देखा जाए डंप वाला माल, तो डंप वाला कितना रह गया जी और कितना दिन चलेगा? अभी आ रही है 81 गाड़ी आ रही है, माल कम हो गया पहले से ज्यादा। अच्छा, अब बढ़िया माल नहीं बचा डंप में। अच्छा जी। तो उनका क्या बाजार खुला जी? उनके बाजार वही 450 से 500 के बीच में बिक रहे हैं। 450 से लेकर 500। बिल्कुल। अच्छा, और 302 का क्या बाजार? 302 के जो बाजार है जी वो 500 रुपए के आसपास। 500 रुपए का जी तुल करके बिक रहे हैं। बिल्कुल जी। तो कितने रुपए केजी? 10 रुपए किलो पड़ गया जी। 10 रुपए जी किलो। और सर जी अगर बात करें जैसे डंप में आ रहा है हाइब्रिड आलू आ रहा है और भी कई वैरायटी आ रहे जी, तो उनका क्या हाइब्रिड क्वालिटी है? सब 470 से 500, 3797 550 से 570। अच्छा, और चिपसोना हो गया 650 से 700। डम्बाला जी? डम्बाले और स्टोर वाले दोनों ही। अच्छा, दोनों में जो बढ़िया माल आ रहे हैं वो, और जो स्टोर के टाइट माल जो बढ़िया माल आ रहे हैं वो। अच्छा जी, मतलब जो डंप का भी है अगर अच्छे क्वालिटी एक नंबर क्वालिटी में है तो उनका भी बाजार जो है स्टोर और डंप का दोनों का सेम ही है जी। बिल्कुल। अच्छा, और सर जी वही बात करें सूर्य आलू का, तो उसका क्या बाजार? सूर्य का 700 से 800 रुपए जी। 700 से लेकर 800। बिल्कुल। और LR? LR बिक रही है 650 से 700। 650 से 700। और सर जी अभी फिलहाल अगर बात करें केशवपुर मंडी के अंदर पंजाब वाला आलू आ रहा है जी? पंजाब का नहीं सर, अब ये हिमाचल ऊना चल रहा है। अच्छा, पंजाब का आलू अभी बहुत कम है। और ये ऊना वाला कितना दिन चलेगा जी? ऊना अब मान के चलिए अब एक दो दिन और, एक दो दिन में निकल जाएगा। अच्छा, एक दो दिन ही चलेगा? बिल्कुल जी। इसके बाद क्या ये स्टोर हो जाता है या फिर एंड हो जाता है? नहीं सर, अब पता नहीं है, उस साइड ही पंजाब साइड ही बिकेगा, इस साइड कम आएगा। अच्छा, चंडीगढ़ हो गया उस साइड ज्यादा जाएगा। तो दिल्ली के लिए मतलब इसका क्या रेट होना चाहिए? इसका अब जो एवरेज आ रहा है 400 रुपए का बिक रहा है, और वहाँ जो खरीद हो रही है 390 380 खरीद हो रही है। अच्छा, तो अब इस आलू में पड़ता नहीं रहा। अच्छा, व्यापारी को कुछ मिल नहीं रहा है। तो दिल्ली आकर के क्या रेट बिकना चाहिए था? यहाँ लगभग 450 के आसपास ही बिकना चाहिए। अच्छा, तब जाकर के पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, वैसे तो सर जी दिल्ली वासियों के लिए तो खाने के लिए तो अच्छा है जी ये। हाँ जी, क्योंकि एकदम डायरेक्ट खेत का रहा है अभी। बिल्कुल। अच्छा, और सर जी अगर बात करें आलू का अगर रेटों का, तो रेट कब तक तेज देखने को मिलेगा सर? तेजी तो अभी दिख नहीं रही है, बाकी यही रेट चलते रहेंगे अभी एक दो हफ्ता, उसके बाद देखते क्या होता है। अभी ये रेट जो है स्टेबल देखने को, ये रेट स्टेबल देखेंगे। अच्छा, एक बार सर जी शॉप नंबर कॉन्टेक्ट नंबर? शॉप नंबर है 52 नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर 88022 1994। ओके, धन्यवाद। दोस्तों अभी और एक आड़त पे मौजूद हूँ, इनके पास भी जो है आलू आया है जी। इनके पास ये स्टोर का पाउडर वाला माल है लंबे चाल में, जहाँ तक है जी ये सूर्य आलू है, बाकी ये वाला देखते हैं कौन सा वैरायटी है। हाँ जी नमस्कार सर जी। नमस्कार, सारे किसान भाइयों को नमस्कार। सर जी आज क्या कुछ बाजार आ जी, और अपने पास कौन कौन सा वैरायटी है? अपने पास संभल का टेम्प का है। अच्छा, ये सूर्य आया कौन सा? सामने जो है
वो तो सूर्या है। अच्छा जी, पहले इसी का बता दो जी, ये तो पाउडर वाला। हाँ, थोड़ी हल्की क्वालिटी है ये, 750 बिक रहा है, 750-750 का पोजीशन। अच्छा, तो स्टोर का या फिर? स्टोर का, स्टोर का। अच्छा जी, अब पाउडर वाला आना स्टार्ट हो चुका है। हाँ, स्टार को डैम्प एंड है ये, मेरे पास गाड़ी आई लास्ट डैम्प की गाड़ी है। अच्छा, ये संभल की है। हाँ, अच्छा, इसका क्या बाजार है जी, और कौन सा वैरायटी है जी? ये हाइब्रिड है। अच्छा जी, हाइब्रिड आलू है। किस एरिया का सर ये? संभल का है। संभल का है जी। तो क्या कुछ बाजार खुला जी इसका? इनका बाजार वही 450-500, 450-500। और अपने पास और कितना दिन आएगा जी ये वाला? बस ये खत्म ही एंड हो रहा है, बस ये एक दो चार गाड़ी और आ जाएगा बस। अच्छा, दो चार गाड़ी और आ जाएगा जी, उनके बाद स्टोरी चलेंगे। कुछ तो मतलब राहत मिला जी किसान भाइयों को। किसान भाई को तो राहत मिल गया, मौसम भी थोड़ा सही रहा इसमें। मौसम ने भी थोड़ा साथ दिया, इतना लंबा खींच, टाइम पे इतना ज्यादा खींच गया, तो अब तक तो बहुत हल्का हो जाता था डम्बाला माल। हाँ जी सर। और सर जी, इसमें जो सूर्या में है, इसमें गुल्ला और बम्पर क्या रेट बिका जी? गुल्ला इनका बिक रहा है 500-550 से लेके 600 रुपए का। अच्छा जी, और बम्पर जी? बम्पर आलू के बिक रहे 800 रुपए का पोजीशन है। 800 रुपए। अच्छा जी, तो बाजार और टाइट हो सकता है या सर यहीं पे रुक जाएगा? बाजार बहुत, देखो फिर सुस्ती हो गई, पहले जैसे उठाव बढ़ गया था एक हफ्ते, उस हिसाब से आज बाजार की जो स्थिति है। तो सर आज उठाव दिन है जी, आज तो मतलब सभी में सुस्ती ही देखा। हाँ, मंडी बिल्कुल ही हल्की चल रही है इस टाइम। अच्छा, तो थोड़ी इस महीने के एंड पे स्टोर अभी जैसे चलेंगे ना तो बाजार 100 रुपए नीचे आ जाएंगे। अच्छा, 100 रुपए बाजारों में नीचे आना है मतलब जब पूरे तरह से चलना स्टार्ट हो जाएगा। स्टोर चलेंगे 100 रुपए के मध्य आ जाएंगे फिलहाल। तो सर जी वही फिर स्टार्टिंग वाला हाल हो जाएगा जी, जैसे मतलब था जी। उतना तो नहीं होगा, जो भी कहा 200-250 रुपए बिके वो तो कंडीशन नहीं होगा जी। तो देखा जाए तो वही रेट आ जाएगा जी। हाँ, क्योंकि स्टोर का खर्चा है, गाड़ी का खर्चा है। हाँ, खर्चा तो स्टोर का है, 150-200 रुपए खर्चा आ गया, तो 200 रुपए अगर उस कंडीशन से तो सही। फिर भी कच्चे से तो बढ़िया है, जो चिप्स होना देखो आपके सामने, पहले गाँव में आलू 600 रुपए बिकता था। आज चिप्स सोना का बाजार मान लो दिल्ली, चाहे दिल्ली हो और जगह भी, पोजीशन 700 रुपए की है। अच्छा जी, मतलब बढ़िया माल, 650-700 रुपए पोजीशन, जो अच्छे माल, टाइट माल है। टाइट माल, बढ़िया माल, हल्के तो 600 भी है, 550 भी है। अच्छा, इस कंडीशन में माल है। अब पहले के हिसाब से थोड़ी बहुत तो राहत मिली है किसानों को। अच्छा, अब स्टोर में है, स्टोर अभी पूरी साल चलनी है, 6 महीने चलेंगे अभी, तो आदमी जिस तरह माल होगा उस तरह निकालेंगे। अच्छा, तो सर जी जैसे अभी स्टोर चलना स्टार्ट हो जाएगा तो किस तरह से किसान भाई माल निकाले जी, एकदम तेजी में निकालना चाहिए या क्या, मतलब रोक रोक करके निकाले या किसान भाई ये है कि अपने हिसाब से निकाले, ज्यादा लोडिंग ना हो मंडी में तो बाजार ज्यादा टूटेगा नहीं। अगर लोडिंग मान लो हर हिसाब से ज्यादा बढ़ गए हर मंडी में, तो फिर तो बाजार आपको पता ही है, मंडी जो लोडिंग ज्यादा हुआ तो टूटेगा ही बाजार। हाँ, तो इधर खपत कितना सर जी डेली का? खपत देखो आज मंडी 2-3 दिन से ऐसे चल रहे, 2 दिन से कि बिल्कुल हल्की चल रही, बिल्कुल जो उठाओ था पहले वो उठाओ अभी बिल्कुल हल्के हो गए हैं। अच्छा जी। हाँ, और क्वालिटी, जैसे क्वालिटी अब बन जाएंगे, बहुत क्वालिटी हो जाएगा स्टोर चलते ही, क्वालिटी आपको पता है, क्वालिटी हो जाते हैं 10-15 क्वालिटी हो जाएंगे, हर आलू आने लगेंगे। T7 है, पहाड़ी में भी बहुत क्वालिटी है। अच्छा, पहाड़ी में क्वालिटी है, क्वालिटी 5-7 क्वालिटी पहाड़ी में है, चिप्सोना में 2-3 क्वालिटी है, उसके बाद फिर 37 भी है, हाइब्रिड है, सारा आलू आएंगे और सारे तरह से बिकेंगे। कोई 150 ऊपर नीचे। कॉन्टैक्ट नंबर बता दो जी। शॉप नंबर 343 केशवपुर सब्जी मंडी, मोबाइल नंबर 9818701089। ओके जी, धन्यवाद। दोस्तों अगर बात करें वजन का, तो आलू के कट्टों में वजन आता है जी 49 से लेकर के 50 किलो तक। आप चाहे दिल्ली के किसी भी मंडी से लोगे तो इतना ही वजन मिलेगा, 49 से लेकर के 50 किलो। बाकी आप सभी का कोई भी क्वेश्चन हो आलू से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आप सभी भाइयों का जवाब देने। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।